से यही मास्क पहना हुआ है। ये मुझे हो गया हफ्ता हो गया ही चली हो। क्या करें, सैनिटाइजर भी खरीदने पड़ा है घर में भी। अब जाएंगे पहले घर पे कपड़े निकाल लेंगे, नहाएंगे धोएंगे तब अंदर एंट्री मारनी। पर छोटे बच्चे हैं ना घर में, बड़ी टेंशन है, डर लगता है। डर लगता ही लगता है, न्यूज देखो रोज की रोज, डर लगना ही लगना है। वैक्सीन लगा रहे थे, आपको लगी? मेरा नंबर उम्बर लेके लिख कर लेके थे हफ्ते पहले, अभी तक कोई फोन नहीं आया। बोला उन्होंने फोन करेंगे, हाँ कोई फोन नहीं आया। मेन काम था डेकोरेशन का, फ्लावर डेकोरेशन का। अब मैं दिहाड़ीदार बंदा था, क्या करूँ, वो बंद हो गया तो ये तो जरिया, उधर बच्चों के पेट पालना है या धक्का मार दूं। कब से रेडी लगाना शुरू? लगा रहा हूँ मैं अभी, जब ये लॉकडाउन लगा था ना उससे एक हफ्ता पहले से। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी। यूपी के? यूपी में कहाँ पे? यूपी जिला बिजनौर। मुझे ये बताओ कि जो मास्क पहना हुआ है ये खुद खरीदा था? खुद खरीदा। कितने का आया होगा ये मास्क? 160 रुपए का। 160 रुपए का? दुकान से खरीदा किसी से या कहाँ से? ऑनलाइन मंगाया था भैया से। किसी ऑनलाइन मंगाया था भैया से? कब से यही मास्क पहना हुआ है? ये मुझे हो गया हफ्ता हो गया इसलिए। हफ्ते से यही मास्क पहना हुआ है? नहीं और भी है मेरे पास, 7 मास्क हैं। 7 मास्क हैं? हाँ। सारा खुद खरीदे हैं? खुद खरीदे। 100 रुपए से ऊपर ही आते हैं? नहीं कोई 50 का है, कोई 30 वाला भी है, अब वैसे रेगुलर वाला भी है, 10 रुपए का जो मिलता है बेबी पहनते हैं कभी कभी। बदल बदल के पहनते हो या एक को 2-3 दिन निकल जाए उसके बाद फिर दूसरा? नहीं बदल बदल, रोज एक टाइम में, रोज एक फिर बॉस होता है ना जाके वॉशिंग करते हैं, फिर घर जाके धोते हो तो उसके बाद दोबारा पहनते हो। तो मुझे ये बताना कि ये मास्क का खर्चा निकल जाता है? आपने रेडी यहाँ पर लगाई हुई है, इतनी कमाई हो जाती है? कहाँ खर्चा निकलता? नहीं निकलता, नहीं निकलता ही नहीं, क्या करें बताओ। अब 300-400 बन जाए, बच्चों के पेट भी पालना नहीं, क्या करें। 300-400 रुपए बनते हैं दिन के? इतने ही बनते हैं, घर वाले काम नहीं करते। नहीं घर वाले कौन करें, हम ही हैं कमाने वाले, और क्या, घर में महिलाएं हैं बस। अच्छा, बच्चे भी छोटे हैं? हाँ एक बेटी है मेरी, छोटी है 2 साल की। मुझे ये बताओ कि फिर ये मास्क कोई बांटने के लिए कभी कोई आया कि आपको दे देते हैं मुफ्त मास्क दे देते हैं? कोई नहीं आया। तो जब से कोविड शुरू हुआ है तब से लेके आज तक कितने पैसे आपने मास्कों पे खर्चे होंगे? कोई आइडिया नहीं है। लेकिन खर्चे हैं, खूब खर्चे हैं। क्या करें, सैनिटाइजर भी खरीदने पड़ा है घर में भी। अब जाएंगे पहले घर पे कपड़े निकाल लेंगे, नहाएंगे धोएंगे तब अंदर एंट्री मारनी। पर छोटे बच्चे हैं ना घर में, बड़ी टेंशन है, डर लगता है। डर लगता ही लगता है, न्यूज़ देखो रोज की रोज, डर लगना ही लगना है, क्या करा जाए इसमें। मुझे ये बताओ कि कभी ये जो टीका लगा रहे थे, वैक्सीन लगा रहे थे, आपको लगी? मेरा नंबर उम्बर लिख कर लेके थे हफ्ते पहले, अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया। बोला उन्होंने फ़ोन करेंगे, हाँ कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने नंबर दिया अपना, यहाँ का जहाँ पे रहता हूँ पूरा एड्रेस दिया है मैंने, सारा कुछ दिया है, कोई फ़ोन नहीं आया। वो फ़ोन करेंगे, कोई बीमार हुए बीच में कहीं पे लेकिन नहीं ठीक ही ले, घर वाले भी सब ठीक रहे? सब ठीक है सर, सब स्वस्थ है। लेकिन कोरोना ने कितनी परेशानी खड़ी की आपके लिए? तो बड़ी खड़ी करी। अभी हमारा मेरा मेन काम था डेकोरेशन का, अच्छा फ्लावर डेकोरेशन का। अब मैं दिहाड़ीदार बंदा था, क्या करूँ, वो बंद हो गया तो ये तो जरिया, उधर बच्चों के पेट पालना है या धक्का मार दूं। तो कब से रेडी लगाना शुरू? लगा रहा हूँ मैं अभी, जब ये लॉकडाउन लगा था ना उससे एक हफ्ता पहले से। बंद हो गया था ना, जब गैदरिंग नहीं बंद होगी थी, तो गैदरिंग नहीं होनी तो हमारे काम ही बंद हो गए। तो पहले जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद क्या किया था? उसमें फिलहाल ऐसे ही बैठे रहे, वेट करते खुलने का, उस टाइम था खाने के लिए तो करते रहे वेट। पिछली बार तो कुछ राशन मिल भी गया था, आपका कोई सुविधा नहीं है। इस बार कुछ नहीं मिला? कोई सुविधा नहीं। तो अब लगता है कि जब हालात थोड़े नॉर्मल होंगे दोबारा से डेकोरेशन का काम करोगे या अब यही काम करना है? ये थोड़ी करना, अपना डेकोरेशन का ही करना है, जो जिसके हाथ के कारीगर हैं वही करना ना, ये तो मजबूरी का नाम है। डेकोरेशन का काम कितने सालों से कर रहे हो? मेरे हो गए 12 साल। 12 साल से कर रहे थे जम्मू में। तो ये पहली बार रेडी पकड़ने की जरूरत पड़ी है? पहली बार हो, किराए पे लिए रेडी है भी। ये भी किराए पे लिए? किराए पे लिए, 800 रुपये महीना देना पड़ता है इसका। इतना निकल जाता है? निकालना पड़ता है, क्या करा जाए। अब जमाने में देखते हैं, 5 बजे बंद करनी पड़ेगी है, या तो फिर पुलिस वाले मारेंगे, जो जिनका रेगुलर का काम है वे चोरी छिपे लगाते रहते हैं। अब हमें तो बेइज्जती का डर लगा रहता है, 5 बजे बाद हमें बंद करनी पड़ेगी, क्या करें। कभी 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 किसी ने, पुलिस वाले ने कभी बदतमीजी की कि जल्दी निकालो यहाँ से, क्यों लगा? मेरे साथ हुई नहीं, मैं टाइम से हटा देता ना। हाँ सुनने में तो आती है बदतमीजी, क्या कांटे भी उठा के लेके जाते हैं। हाँ उन सुनने जो रेगुलर लगाते हैं ना उनके सुनने में आती है, हम तो 5 बजे हटा देते हैं। पहले 10 बजे तक लगा में थे, फिर उसके बाद 11 बजे तक लगाइए सुबह सुबह, फिर बंद कर देते हैं 5 बजे।
आप फ्रूटी बेचते हो या सब्जी वब्जी भी लगाते हो? सब्जी वब्जी बेचते थे, आप कल ही लाया हूँ फ्रूटी। मैं पहले सब नींबू बेचता था ज्यादा। अब जैसे कल से वीकेंड लॉकडाउन लगना है तो उसमें आपका तो फ्रूट का आपका खुलेगा रेडी या फिर आपका भी बंद रहेगा? मेरी बंद ही रहेगी, क्या करेगा, बंद ही रहनी है। तो मतलब वो 3 दिन भी गए काम के, बंद ही रहनी है। मुझे बताओ आखिर में कि ये कितने मुश्किल हो गए आपके लिए कि मास्क भी एक जो है वो खरीदना और मास्क रेगुलरली बदलना, और मुश्किल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। पर्सनल खर्चा हो गया? बिल्कुल, पर्सनल खर्चा तो इतनी कमाई नहीं है जिन्हें लग जाता है, इन्हें क्या करें बताओ। घर में कम से कम डेली 200 रुपये तो खर्चा होना ही है, बच्चों का दूध सूझ रहा, घर का रहा, हर चीज़ का रहा, साबुन शैम्पू जितना भी खर्चा लगाओगे वो तो हमें खरीदना ही है ना। किराने वाले लेस थोड़ी करेंगे, हमें चेहरा देख कर थोड़ी लेस करेंगे, हाँ जी ये गरीब हैं या ये मजदूर हैं। आप जैसा आप खरीदते हो ऐसी पाउच की चीज़ हम भी खरीदते हैं उसी रेट में। जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का भी किराया है, किराए पे रह रहे हो? नहीं, फिलहाल वो पास में झुग्गी बना रखी है, उन्होंने फ्री रहते हैं वहाँ पर। तो अच्छा, झुग्गी बना रखी है तो वहीं पर रहते। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू में इनके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले कोई और काम कर रहे थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से जो कई कारोबार बंद हो गए उसके चलते उन्होंने भी रेडी लगाना शुरू कर दिया, सब्जी बेचना, फ्रूट बेचना, क्योंकि वही एक एसेंशियल के काम है जो चलते जा रहे हैं तो वो काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे में भी मास्क जितना एसेंशियल है और कई सारे लोग आप यहाँ पर देखेंगे जो रेडी लगा रहे हैं, दिन में धूप है, गर्मी है, कई बार मास्क नीचे भी होता है, लेकिन वो मास्क लेना, मास्क खरीदना और मास्क बदलते रहना जेब के ऊपर कितना भारी पड़ता है वो आपने सुन लिया कि जितना कमाई जो है ये फल बेचकर, ये सब्जी बेचकर होती है उसमें से उस कमाई का कितना हिस्सा आपका निकल जाता है मास्क खरीदने में, सैनिटाइजर खरीदने में, और खरीदना मजबूरी है क्योंकि काम पर भी आना है, और खरीदना मजबूरी है क्योंकि ये भी चाहते हैं कि इनका परिवार जो है वो सुरक्षित रहे।